शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता, झारखंड। नमस्कार चौहार, उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कदम हम बढ़ाएंगे, दीप भी जलाएंगे, जग को रोशन करते हुए अंधेरे को मिटाएंगे। ठीक इसी प्रकार अंधकार से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ चुके हैं हमारे झारखंडवासी। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही सड़क योजना से लाभान्वित हो रहे हैं चंदनडीम पंचायत के लोग। कहते हैं ना, जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ठीक उसी प्रकार सड़क योजना से लाभान्वित होते हुए चंदनडीह पंचायत के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ चुके हैं। इनका रहन सहन भी बदल चुका है और इनमें आत्मविश्वास भी भरपूर मात्रा में भर चुका है। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं। किसी भी क्षेत्र में यदि विकास पहुँचाना है तो वहाँ सड़कें बनानी ही होगी। सड़कों के बिना क्षेत्र में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसी वजह से गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा रही है। अपने झारखंड प्रदेश में इस योजना से कई गांवों की तस्वीर बदल गई है। रांची जिले का एक ऐसा ही पंचायत है चंदनडीह पंचायत, जहां सड़कों के बनने से लोगों की जिंदगी में नई रफ्तार आ गई है। सड़क तो खराब था पहले, अभी तो थोड़ा ठीक हुआ है। बन जाने से सब फायदा है, गाड़ी घोड़ा का फायदा है, पैदल चलना भी फायदा है, लंगड़ा लूल्हा सबका फायदा ही है। समय के बचत हो रहा है, और नहीं तो समय के बचत नहीं हो रहा था, तेल भी बचता होगा। हाँ, भाड़ा तो कम लगता है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि यातायात के साधन, प्लस जैसे कि कोई मरीज उरीज एम्बुलेंस वगैरह चलने में सबसे सुविधा, जैसे कि कोई भी सारा चीज़ जैसे कि सब फायदे ही फायदे हैं सड़क बनने से। अस्पताल सुविधा बाकी वगैरह जैसे कि बाजार मार्केटिंग, टोटल चीज़ में फायदे ही फायदे हैं। और क्या बताएं, पहले समय ज़्यादा लगता था, जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में धीमी गति से चलना, ऊपर से बाइक वाइक जैसे कोई भी उसमें दिक्कत होता है आने जाने में। पहले यहाँ की सड़कें जर्जर अवस्था में थी, इसकी वजह से यहाँ पैदल तक चलना मुश्किल था। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से यहाँ एक्सीडेंट होते रहते थे, मरीजों को अस्पताल तक ले जाना मुश्किल होता था, बच्चे स्कूल तक समय पर नहीं पहुंच पाते थे, किसानों के लिए मंडियों तक अपने उत्पाद ले जाना एक कठिन कार्य था। सड़कों के निर्माण से अब यहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ दूर हुई हैं। रोड के देखा जाए तो पहले स्थिति बहुत खराब था, जगह जगह पे गड्ढे बने हुए थे और एक्सीडेंट का भी बहुत बड़ा खतरा था। अभी जब रोड बन गई तो बहुत सारी सुविधा, तब जगह जगह पे मतलब कि जल्दी पहुंच जाना, बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। इस सड़क बन गए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि जैसे पहले ख़राब था तो पंक्चर हो जाता था, अभी गाड़ी में भी वो सेफ्टी बहुत कुछ है। 10 से 12 गांव इसमें मानते हैं, क्योंकि रोड राहत से सिल्ली बुंडू होते हुए निकल गई है रांची तक। रोड बनने से सब्जी मतलब बड़े बड़े मार्केट में ले जा रहे हैं तो सुविधा हो रहा है, पहले रोड खराब था तो वो सुविधा नहीं थी। पहले सड़क पहले बहुत ख़राब था, हम लोग साइकिल में जा रहे तो वहाँ बहुत ही था, यानी कि पूरा ये ऊपर वाला ये अलकतरा है ना, जो पूरा ख़राब था, जगह जगह पर गड्ढा, तो वहाँ पर 2-4 दिन हम लोग वहाँ गिरे भी थे। अब तो थोड़ा अच्छा ही है उससे। समस्या आता था जब हम लोग स्कूल बहुत ही लेट में पहुँचते थे, क्योंकि गड्ढा होने के कारण हम लोग लेट से पहुँचते थे स्कूल। अभी रोड बना है तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। अभी बरसात के दिन में बहुत कीचड़ उचड़ होता था, तो हम लोग का ये वाइट कलर का जो ये होता है बहुत मिट्टी उट्टी लग जाता था, तो अच्छा नहीं दिखता था इस कलर से। पहले 1-2 साल पहले इस रोड का बहुत तकलीफ था, पहले जगह जगह पर गड्ढा था, कहीं बालू भी गिर गया था, एक्सीडेंट गिर आदमी बाजार से आता था, भीड़ हो जाता था, आदमी का एक्सीडेंट भी हो रहा था। अभी फिलहाल 1-2 साल में अभी रोड का भी हलचल अभी सब ठीक ठाक है, अभी कोई कुछ नहीं हुआ।
यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि सड़कों के बनने से लोगों को काफी सहूलियत हो गई है। यहाँ गाड़ियों का आवागमन बढ़ा है, मरीजों को अस्पताल ले जाना आसान हो गया है, बच्चे वृद्ध किसान सबको सुविधा हो गई है। बना तो है लेकिन उतना संतुष्टि नहीं बना है, और रोड पहले से काफ़ी सुंदर हुआ है और चाहते हैं कि और सुंदर चौड़ीकरण हो जाए। गांव में गड्ढा गुड्ढू है, मोड़ है, हैं बालू नाली ये सब रोड में जमा है, ये सब ठीक ढंग से बने तो और अच्छा है, और हम लोग को जो फ़ायदा मिल रहा है, हम लोग को जो फ़ायदा हो रहा है, समय का बचत हो रहा है। जैसे कोई पेशेंट हो गया, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, सामने हॉस्पिटल है, बिजली बोर्ड है, और सामने आपका थाना पुलिस जगह है, सब कुछ है, बाजार टाण है, सब तरह का सुविधा तो होता है। पहले से कुछ सुधार हुआ है, हम लोग का छोटा मोटा दुकानदार हैं, लेकिन पहले से हाँ रोजगार किसी तरह हम लोग का दाल रोटी मिल जाता है और कमा खा रहे हैं। हाँ पहले तो हम बाहर जाते थे, अभी सड़क बना है तो इसी में जी खा रहे हैं। हम जनरेटर मैकेनिक हैं, हम टुल्लू बनाते हैं, मोटर बनाते हैं और सारा मशीन बनाते हैं, प्रेस सब मशीन। 15 से 20 गांव का आने जाने का आवागमन का रास्ता है। हाँ और इसको चौड़ीकरण का दरकार है, जो कि इसमें बड़ा गाड़ी भी चल सके। इसमें बड़ा गाड़ी चलने के लिए पहले खराबे था, पहले पूरा एकदम मेटल उटल निकल रहा था पहले तो, अभी कुछ दिन का इधर ठीक था। अभी बनने से सब ठीक है, सब पैदल सब गाड़ी उड़ी सब साइकिल के, जब पहले चप्पल पहन के फिर आता था तो अभी खाली पैर में भी आ सकता है। हाँ समय पहले 10 मिनट लग रहा था, अभी 5 ही मिनट में पहुँच रहे हैं। पहले की स्थिति तो जर्जर थी, और एक बार जो है कि पहले रिपेयरिंग हो चुका था, उसके बाद में फिर दोबारा भी सड़क में जो है कि जर्जर अवस्था हो गया था, और फिर अभी दोबारा इसमें जो है कि रिपेयरिंग हुआ है। मतलब थोड़ा सा सुविधा है, चलने लायक है, मगर उतना भी मजबूतीकरण नहीं है। पक्की सड़कों के बिना लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। लोगों को छोटी से छोटी दूरी तय करने के लिए भी अपना काफी समय बर्बाद करना पड़ता है। इससे लोगों के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों के व्यवसाय का विस्तार होता है और नए नए रोजगार सृजित होते हैं, जो क्षेत्र के विकास में सहायक होते हैं। सड़कें किसी भी चीज़ की जीवन धारा होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बन जाने से न सिर्फ लोगों में एक नया भूचाल हलचल आया है, बल्कि किसानों के लिए यह जीवनदायिनी सड़कें कहलाती है। किसान फसल तो उपजा लेता है लेकिन बाजार तक पहुंचाने में उसे काफ़ी पैसा और मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन जहां सड़क होती है वहां आसानी से समय पे सब्जियां पहुंचती है और उनके उचित मुआवजा और मूल्य भी मिलता है। इसी कारण लोग सड़कें बन जाने के बाद काफ़ी खुश नज़र आते हैं। एक तरफ जहां उन्हें समय की बचत, वहीं गाड़ी में उनके जो खर्च बढ़े थे वो भी कम होते हैं। आज हम रांची से 20 किलोमीटर दूर सोनाहातू में आए हैं और यहाँ लोगों की समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि सड़क बन जाने के बाद हमें काफ़ी फायदा हुआ है और इन सड़कों से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नए नए मुकाम पा रहे हैं, और जहाँ बच्चे स्कूल जाते समय गिरते थे, ड्रेसें खराब होती थी, वहाँ आज उन्हें सड़क बनने से ड्रेस भी खराब होते हैं और समय पर पहुँचते हैं। समय का बचत होता है और समय सबसे बड़ा बलवान और कीमती होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। देखा ना आप सभी ने, विकास की बात करते हुए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से सोनहातू के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र क्या है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और सोनहातू के लोगों के स्वास्थ्य से लेके इनमें क्या फायदे हो रहे हैं। तो बिना देर के आइए देखते हैं। अपने प्रदेश झारखंड के गांवों में चिकित्सा सुविधा की गंभीर समस्या है। ग्रामीणों को छोटे से छोटे इलाज के लिए भी शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। ऐसे में सरकार की ओर से झारखंड के कई गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा दी गई है। यहां लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। रांची जिले के सोनहातू ग्राम में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ के ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें राहत पहुंचा रहा है। प्राथमिक उपचार के लिए
इस केंद्र में हर तरह की सुविधा मौजूद है। सोनहातु सहित यहाँ के आसपास के गांव के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ सभी तरह के प्राइमरी केयर होता है, यहाँ पे जनरली इमरजेंसी का भी सुविधा है, लेकिन एक हद तक। उसके बाद हम लोग बड़ा ट्रीटमेंट के लिए रांची के लिए रेफर करते हैं, रिम्स या सदर। रोसी का, टीवी का, ये सब चीज़ का कंप्लीट इलाज यहाँ पे किया जाता है। प्राथमिक उपचार में हम लोग दवा, जनरली जो भी दवा दिया जाता है, जो भी जांच यहाँ पे संभव होता है वो किया जाता है। उसके हिसाब से जो इलाज जहाँ तक संभव हो पाता है वो करके हम लोग ठीक हैं। सीरियस डिजीज़ तो नहीं है किन्हीं को, नॉर्मल जो सर्दी बुखार, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, वो सब थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉर्मल CHC में होना चाहिए, वो सब सारा अवेलेबल रहता है। और जांच के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी जांच है सारा कुछ होता है यहाँ पे। अल्ट्रासाउंड भी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है पूरी तरह से। वैक्सीनेशन जितना भी बच्चों में या फिर प्रेग्नेंट मदर्स में ये सब दिया जाता है, वो सब का पूरा सुविधा है। इस केंद्र में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक OPD की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा यहाँ जांच केंद्र भी है, जहाँ लोग हीमोग्लोबिन, सुगर, HIV, हेपेटाइटिस, TB, मलेरिया जैसी बीमारियों की जांच करा सकते हैं। यहाँ इन बीमारियों का इलाज भी होता है तथा जरूरत अनुसार मरीज को रिम्स या फिर सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। यहाँ लोगों को इलाज के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाती है। 9 बजे हॉस्पिटल खुल जाती है OPD वाला, और 3:15 बजे बंद हो जाती है। कितना मरीज आता है? 20-30 मरीज जांच के लिए आता ही है। जैसे कि हम लोग अभी NC पेशेंट का जांच करते हैं, तो NC का करते हैं, हीमोग्लोबिन करते हैं, शुगर करते हैं, और ब्लड ग्रुप करते हैं, HIV, VDRL और हेपेटाइटिस करते हैं, यूरिन में शुगर प्रोटीन देखते हैं। ये सब जांच हम लोग NC पेशेंट के लिए स्पेशल करते हैं। बाकी मरीज है जो TB जांच के लिए आता है, उसमें स्पूटम करते हैं, और एक ट्रूनेट मशीन है, हम लोग उसमें ट्रूनेट भी करते हैं, वो मशीन से होता है। और मलेरिया के लिए आता है, उसमें स्लाइड में होता है, और किट रहने से किट से भी होता है। अभी तक तो हो रहा है, जिससे कि डॉक्टर लोग को लगता है कि कुछ हायर टेस्ट इससे भी ज़्यादा कराना हो तो सीरियस पेशेंट सबको भेजते हैं। ऐसे जो नॉर्मली हो जाता है यहाँ, जितना संभव है उतना कर ही लेते हैं। हाँ, शुगर है, शुगर भी है, BP शुगर तो आता ही है, तो कॉमन हो गया है। लेकिन बाकी हमारा NC पेशेंट भी अभी बढ़ गया है, और 9 तारीख को हम लोग स्पेशल NC का करते हैं, उसमें भी करीब आपका 70-80 कभी कभी 90 तक पेशेंट आ जाता है। इस दिन ऐसे जांच के लिए आई हूँ, और प्रत्येक महीना में आती हूँ जांच कराने के लिए। तो प्रत्येक महीना में BP, शुगर, आयरन, ये सब की यहाँ पर जांच होती है, दवाइयाँ मिलती हैं? हाँ, मैं जितने तरह के डॉक्टर लिखती हूँ उस तरह की जाँच करवाती हूँ। सर, मरीजों के जैसे कंप्लेन होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे एनाल्जेसिक में होगा तो फिर हम लोग जो पेन किलर है उसको देते हैं, जैसे SSLO PCM है। बुखार के लिए PCM है, उसमें एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं। और फिर जैसे खांसी वगैरह हुआ, कफ हुआ, तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक जो मैक्सिसिलिन है वो चलाते हैं। कफ सिरप आता है खांसी के लिए, वो देते हैं। जैसे मतलब स्किन में हुआ, खुजली होता है, कुछ इन्फेक्शन हुआ, उनके लिए है फ्लुकनाजोल है, जो 150 mg का आता है। सेट्रिजिन है, 10 mg का आता है, जिससे उसका ठीक हो जाता है। और चाइल्ड के लिए भी है, जैसे उनका बुखार आएगा, सर्दी खांसी हुआ, तो उनके लिए सिरप अवेलेबल है। जो मतलब जितना पेशेंट के लिए चाहिए होता है वो दवा हमारे पास है अवेलेबल। इतना ही नहीं, इस केंद्र में गर्भवती महिला से लेकर बच्चों तक के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए किसी तरह के शुल्क नहीं लिए जाते, और ये केंद्र में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ प्रतिदिन तो मतलब थर्सडे या सैटरडे हम लोग 2 दिन वैक्सीनेशन करते हैं। उस दिन हमारे यहाँ ज़्यादा वैक्सीनेशन होती है, और फील्ड पे होती है वैक्सीनेशन। तो हमारे यहाँ लगभग मतलब गर्भवती महिलाएं ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब 9 तारीख महीने के 9 तारीख को गर्भवती महिलाएं यहाँ NC चेकअप के लिए आती हैं, जो कि डॉक्टर के द्वारा उन्हें
चेकअप किया जाता है, उन्हें मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है तो उनका पहचान किया जाता है और उनका उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ वैक्सीनेशन में मतलब सभी बच्चे आते हैं जो कि हम उनके वैक्सीनेशन लगाते हैं। हमारे यहाँ सारे वैक्सीनेशन मतलब निःशुल्क उपलब्ध रहती हैं, जो कि बाहर में उन्हें काफ़ी पैसा लग जाती है, जो कि हम उन्हें प्रोत्साहन करते हैं कि सभी सरकारी जगह पे मतलब ये वैक्सीनेशन उपलब्ध रहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी संस्थान में ही उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। और उन्हें बताते हैं कि जो प्राइवेट में वैक्सीनेशन उपलब्ध है वही वैक्सीनेशन हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। मृत्यु दर अभी तो बहुत कम ही मतलब मृत्यु दर में तो कमी आया ही है, जो कि हम लोग जन्म से लेके उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहन करते हैं। मृत्यु दर कम करने के लिए है कि हम लोग सारे गर्भवती महिलाएं से ही हम लोग ये सुविधा लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को शिशु मृत्यु दर कम हो और मातृ मृत्यु भी कम होने के चांसेस कम हो। इसके लिए हम लोग गर्भवती महिलाएं से ही हम लोग ये सुविधा उपलब्ध करते हैं और को प्रोत्साहन करते हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ये सोनहतु ब्लॉक के सभी माताएं सरकारी सुविधा जो भी मिलती है सरकार की वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और जो भी हमारे यहाँ द्वारा मतलब तो सुविधा मिलती है उनको उनके तक पहुंचने को हम लोग प्रयास करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और जो भी सरकार उन्हें अपने तरफ से जो भी योजना बनाती है उनको लाभ मिल पाए। इस केंद्र द्वारा ग्रामीणों को यहाँ इलाज कराने के लिए जागरूक किया जाता है, इसमें सहिया अहम भूमिका निभाती हैं। हाँ सुना तो सीएससी में सब कुछ सुविधा है, हम लोग लाभार्थी को लाते हैं। सहिया हम बन रहे हैं कंकाली का, तो सब कुछ सुविधा है, फ्री में सब कुछ होता है। और जैसा मंगलवार शुक्रवार में ऑपरेशन भी होता है, डिलीवरी ऑपरेशन भी होता है और बंध्याकरण भी होता है, और लाभार्थी को सब कुछ सुविधा मिल रहे हैं, अच्छा से ही डिलीवरी हो रहा है। इलाज तो ठीक ही होता है, हम लोग पर्याय लाते ही रहते हैं, महीना में एक दो ठो मेरा जैसा गांव रहता है वैसा ही लाते हैं। और तो क्या बोल, हाँ नॉर्मल भी होता है, ऑपरेशन से भी होता है। जितना भी पेशेंट आता है इमरजेंसी उसका फर्स्ट एड करता हूँ, और जैसे पेशेंट को ओपीडी में इंजेक्शन के लिए दिया जाता है टीटी डायलोना जोन सब हम लगाती हूँ, सलाइन भी देती हूँ। जैसे कोई रोड में एक्सीडेंट भी हो गया तो उसके लिए 108 को कॉल करते हैं, तो 108 तुरंत पेशेंट को यहाँ लाते हैं, तो उसको हम लोग फर्स्ट एड करते हैं, पहले उसको बैंडेज करते हैं, उसके बाद टीटी डायलोना दे देते हैं। डॉक्टर को पहले तो सूचित करते हैं, डॉक्टर लिखते हैं तुरंत, ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुआ है तो उसको रेफर करते हैं रिम्स। गांव-गांव जाके जैसे कभी स्कूल सब में टीम जाती है यहाँ से और जागरूक फैलाते हैं मलेरिया के बारे, डेंगू के बारे में, और ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, टेस्ट भी होता है गांव-गांव कैंप जाके, स्कूल भी, हाँ यहाँ से टीम जाती है। यहाँ चिकित्सा के लिए आए ग्रामीण यहाँ की सुविधा से काफ़ी खुश हैं। ये बताते हैं कि गाँव में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र होने से लोगों को इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ हर तरह की सुविधा निशुल्क उपलब्ध है। और यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है, सब चीज़ पूरा अच्छा से होती है। यहाँ सुविधा होता है जैसे पेशेंट को लाए तो पेशेंट को यहाँ जो रहते हैं चढ़ाने वाले सब चढ़ा दिए, और सब चीज़ यहाँ एडमिट करो, वहाँ ऐसा करो, सब चीज़ बता दिया गया। और जो चीज़ हमको जानकारी नहीं था उसका जानकारी पूरा अच्छी तरह से हो गई। और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक वरदान है ये हॉस्पिटल। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम गांव में थे, बहुत आदमी बोला कि ये यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होना असंभव है, तो मैंने किसी का बात नहीं माना। बाद में अपना मैंने दिमाग लगाया और सोच के आया कि नहीं, हमको यहीं एडमिट कराना है। और यहाँ आया तब यहाँ एडमिट किया, एडमिट कराने के बाद यहाँ सिस्टर दीदी लोग बोले कि आज शाम तक नहीं तो रात को डिलीवरी होगा, और बीच बीच में हमसे मिलते रहना। जैसा जैसा वो लोग बोली वैसा वैसा हम करते गए, और आज रात 2:40 में डिलीवरी नॉर्मल हुआ। तो ये इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाना ही नहीं चाहते हैं, जब सरकार इतना सुविधा दिया है तो हम क्यों जाए, हम लोगों की बात पे क्यों चले। देखिए
लोगों के बात पे हम चलते तो मेरा हल आज ऑपरेशन का नौबत आ जाता। तो ये इसीलिए हम कहते हैं जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है सबको सरकारी हॉस्पिटल का लाभ ले, इतना सरकार लाभ दे रहा है उसका फ़ायदा उठाए। सही शुगर के बारे चेक करवाए आए हैं। हाँ शुगर तो ठीके है, हाँ दवा तो अभी नहीं दिया है, परवेज ठीके में रहते हैं सर। हाँ और कुछ नहीं है मेरा। आज जब चिकित्सा एक व्यवसाय बनता जा रहा है तो ऐसे में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाला कोई नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाकर ग्रामीणों के कष्ट को मिटा रहा है और उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। सोनाहातू का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ इस मरीजों की जो लंबी कतारें लगी है इससे आपको लगता होगा कि ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन नहीं, यह सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ की सुख सुविधाएँ ऐसी है कि आसपास के ग्रामीण यहाँ आते हैं और खिलखिलाते हुए चेहरे से जाते हैं। यहाँ के डॉक्टर भी परिश्रमी हैं और लोगों पे निखार लाने के लिए यहाँ पे प्रयासरत रहते हैं। साथ ही साथ दवाओं का जो डोज है वो इतनी लिमिट मात्रा में देते हैं और इतना देते हैं कि लोग स्वस्थ और संरक्षित हो। इस तरह के जब हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि खान पान ग्रामीणों की ऐसी है कि बीमारियाँ कम होती है, लेकिन लोग खेतों में काम करते हैं तो फीवर की समस्याएं होती है, ये एक नॉर्मल है। और लोगों का स्टेमिना भी बढ़ा हुआ है, इसलिए इस तरह के सामुदायिक केंद्र जो इस क्षेत्र के लिए है वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जोहार। देखा ना आप सभी ने, सोनहातू निवासी अब स्वस्थ हैं और अपने जीवन में मस्त हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता झारखंड।